हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो उठी हूँ, मॉर्निंग टाइम हो गया। तो कल लेके गई थी कंचन भिंडी। भिंडी वो खाती नहीं, वो गगन खाता नहीं है, कंचन खाती है। तो उधर से नन्नू का बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी। दोनों बहन भाई ज़्यादा भिंडी खाते हैं। तो मैं लगी हूँ बनाने के लिए। सवेरे सवेरे इसको धो के रखा था। सुबह 5 बजे उठी थी मॉर्निंग टाइम। तो सवेरे 5 बजे चाय बनाई, मुँह धोया, ब्रश करा मैंने। मैं मेडिसिन खाती हूँ थायराइड की, वो खाई। तो मैंने साथ के साथ भिंडी को भी धो के रख दिया था। अब थोड़ा सा भिंडी सूख गई है, मैंने साफ़ कर ली है, इसको कपड़े से पूछ लिया। तो अब लगी हूँ मैं काटने के लिए भिंडी। तो आज भिंडी बनेगी, तो शाम को रोटी होएगी उधर। आज है वो हल्दी की रस्म है शादी में, तो शाम को उधर पूड़ी बनेंगी और गुलगुले बनेंगे, कढ़ाई बनेगी। और हमारे जो वो लगाते हैं, बटना लगाते हैं, हल्दी की रस्म होती है, तो सबसे पहले माता रानी की कढ़ाई की जाती है, माता गुड़गामे वाली की, कांगड़े देवी की कढ़ाई की जाती है। तो फिर लड़के को बाँध बिठाते हैं, हल्दी बटना लगाते हैं। तो आज उधर की रस्में होंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे को जाना ज़रूरी है। तो अभी सब्जी बना के नन्नू को भेज दूँ काम पे। नन्नू के लिए आज टिफ़िन भी रखा है नया निकाल के मैंने, तो बेचारा जाता था डब्बी में लेके जाता था। तो आज मौसम इतना अच्छा है कि बारिश हो रही है, बाहर बारिश का मौसम हुआ, अभी बारिश हुई नहीं है, बारिश का मौसम हो गया था। तो मैं क्या पहले भिंडी काट के सब्जी बना लूँ, फिर मैं आटा गूँध लेती हूँ। साथ के साथ 2 कपड़े थे वो धोए। नन्नू नाइट ड्यूटी करता है, नाइट और डे इकट्ठी कर रहा है, शादी के लिए उसने छुट्टी लेनी है। तो वो नाइट ड्यूटी और डे में सब काम करता है, तो उसकी ना यूनिफॉर्म रात को आता है, तो सुबह मुझे जल्दी धोनी पड़ती है। उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। तो मैं ना अब कढ़ाई भिंडी मेरे काट ली है, प्याज भी काट ले, हरी मिर्च भी, हरी मिर्च लेके आई थी अंदर से। तो मैं क्या पहले भिंडी को मैं फ्राई कर लूँ, तेल पका दी, तेल पा दिया कढ़ाई में। तो भिंडी काट के रखी थी, प्याज काट के रखे थे, हरी मिर्च नहीं काटी थी, हरी मिर्च साथ के साथ काट रही हूँ। इतने में मेरा तेल पक गया। सबसे पहले मैं वो करूँगी फ्राई, थोड़ा सा हल्का सा क्या नाम है, भिंडी को ना थोड़ा थोड़ा पकाऊँगी, जो उसकी राल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है पकाने से। तो उसके बाद में थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी भिंडी, तो मैं प्याज डालूँगी इसमें। तो टमाटर तो मैं डालती नहीं भिंडी में, खाली हरी मिर्च और प्याज डालती हूँ, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देती हूँ कई दफ़ा। तो क्योंकि जो जो भिंडी राल से छोड़ती है ना, नींबू डालने से ना वो ख़त्म हो जाती है राल इसकी भिंडी की। तो अच्छी तरह मैं तेल पक गया, मैंने भिंडी तो डाल दी, इसके बाद मैं प्याज डालूंगी। मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए भिंडी को, तो मैं ढक देती हूँ। इतने में भिंडी मेरी पक गई, तो मैं लगी हूँ प्याज डालने के लिए, हरी मिर्च डालने के लिए। प्याज थोड़े से ज़्यादा डाले थे, भिंडी भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैं कहा चल भिंडी के बराबर के प्याज डाल देती हूँ, थोड़ी सब्ज़ी भी ज़्यादा हो जाएगी। कंचन को भी भेजनी है, क्योंकि वो मेरे को लेके दे के गई थी भिंडी, कहती मम्मी तू भिंडी बना लेना और मेरे को भी दे देना, नन्नू भी खा लेगा। मैं भी थोड़ा कम ही खाती हूँ भिंडी, मैं भी चीनू की तरह ना तरी वाली पसंद करती हूँ सब्ज़ी। चीनू बिल्कुल मेरे पे गया है प्रयास, मैं भी तरी वाली सब्ज़ी पसंद करती हूँ, सूखी सब्ज़ी कम पसंद करती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी देखो भुन गई है, सारी प्याज भी भुन गए। मैं डाल दूँ नमक मिर्च हल्दी मसाला, भिंडी मेरी रेडी होने वाली है, बस पकने वाली है। तो उधर से मेरे नन्नू की यूनिफॉर्म भी धोई गई होगी, मैंने मशीन लगा दी थी। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं करती कपड़ों की। आप बोलोगे कि आंटी जी तो बार बार कपड़े धोते रहते हैं, वही दिखाते रहते हैं। कल के जो कमेंट आए थे, उन कमेंटों का भी मैंने जवाब देना था, कि मैंने कल कमेंट में वीडियो में बोला था कि सब्जी बन के मेरी रेडी हो गई है भिंडी की। कल वाली वीडियो पे कमेंट करे हुए थे कि कंचन के क्या लड़का होएगा, आपको पक्का पता आंटी जी? देखो वो जो बारिश होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की को भी उतनी दर्जा देना चाहिए जितना लड़कों को देती हो, ठीक है? बेटा बेटी एक समान समझना चाहिए, बेटी को ये नहीं है कि बेटी को कुछ नहीं है देना चाहिए, बराबर समझना चाहिए बेटा बेटी। तो जब उनके घर का बच्चा हो जाएगा, तो देखो उनका वारिस ही होएगा, वो उनका ही होएगा। तो ये नहीं होना कि आंटी जी आपने सच बता दिया कि लड़का ही होएगा, कोई बात कोई नहीं होता, क्या बात है, क्या पता कि लड़का ही होए, ज़रूरी नहीं होता भाई मैंने बोल दिया लड़का होए। जो कुछ भी होता तो परमात्मा की देना, लड़की भी हो सकती है तो उनका ही होएगा ना, उनके खानदान का ही होएगा ना। ये नहीं होता कि बाहर से लड़का हो, ये कभी भी मत सोचना कि बाहर से लड़का ही होता है, लड़का लड़की एक समान होते हैं। आजकल के लड़कों से ज़्यादा प्यारी लड़कियां होती हैं, ठीक है?
कल मेरे से बार बार मैसेज पे बोल रहे थे लोग कि आप उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं प्रॉपर्टी के लिए होए। देखो ये तो परमात्मा के घर का कुछ नहीं पता, परमात्मा ने क्या कुछ क्या किस टाइम क्या कर देना, गरीब से अमीर बना देना, अमीर से गरीब बना देना, पता नहीं किस टाइम कुछ हो जाए, बच्चा हो जाए या कुछ हो जाए, कोई बता के नहीं चीज़ आती। जिसने भी आना है तो बिना बताए ही आ जाता है, ठीक है, बता के नहीं वो चीज़ होती। और कोई पता नहीं चलता इस चीज़ का कब हो जाए, ये परमात्मा की देन होती है। ऐसे गलत कमेंट मत करा करो कि प्रॉपर्टी के लिए एंटी करती है, प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं। देखो जो कुछ है तो इन्हीं का है ना, कंचन का और गगन का। चाहे उनका बेटा लख खराब है, जब उनके बाद तो इनका ही होएगा सब कुछ। कोई ये तो है नहीं भाई वो अनाथ आश्रम वालों को दे देंगे, असल तो है ना इनके सब कुछ, बेटा भी है बेटी भी है, बेटा बेटी को बराबर देंगे, उनके बेटी भी है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि कल्ले गगन का ही होएगा, देखो उतना ही हक बेटे का होता है उतना ही बेटी का होता है, बराबर होता है। ऐसे ऐसे कमेंट मत करा करो जिसको भी अच्छा नहीं लगे, ऐसी बातें अच्छा नहीं लगे। खुशी होती है बच्चों को दिलों की, है ना, अगर दिल चाहता है बच्चा हो जाए, नहीं दिल चाहता ना होए, ऐसे मत करा करो। तो मौसम देखो कितना अच्छा हो गया, बारिश हो रही है आज, और सुबह सुबह बारिश होने लग गई थी। तो नन्नू ने बोला मेरे से, मम्मी वो सेवियाँ बना ले, आज बारिश भी हो रही है, और मैंने कल का अच्छी तरह खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो डे नाइट काम कर रहा है, आपको पता काम में खाना भी अच्छा नहीं खाया जाता जल्दबाजी में। तो एक साइड पे मैंने रोटी बनाने लगी, एक साइड पे मैंने दूध सेवियाँ रख दी थी सेवियाँ बनाने के लिए, तो एक पैकेट रखा हुआ था घर, तो वो ही मैंने बना दिया था। दूध का सूखा दूध रखती हूँ मैं, जब मर्जी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। सूखे दूध की सेवियाँ, मिल्क पाउडर जो होता है उसकी बहुत अच्छियाँ बनती है, खीर भी उसकी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं लगी हूँ उसके लिए खाना रेडी करने के लिए, क्योंकि उसने जाना है काम पर। तो मैं क्या सफाई सफुई तो मेरी बाद में होती रहेगी, बाकी काम बाद में होगा। सेवियाँ बन के मेरी रेडी हो गई हैं, और जिसने भी खानी है रेडी हो गई हैं, आपके लिए तैयार है। और सेवियाँ बन के मेरी रेडी हो गई हैं, जिसने भी खानी है तो आ जाओ गर्मा गर्म। इसमें मैंने काजू बादाम किशमिश सब कुछ डाल दिया था, इतनी अच्छी बन गई कि अभी दिल करता कि सुबह सुबह खा लो इसको। तो मैं लगी हूँ टिफ़िन उसका पैक करने के लिए, मैं लगी हूँ नन्नू का टिफ़िन पैक करने के लिए। आप रोज़ बोलते थे आंटी जी नन्नू का टिफ़िन दिया करो, नन्नू टिफ़िन लेके नहीं जाता था, उसका टिफ़िन रखा हुआ था नया लेके। तो मैं लगी हूँ इसमें सेवियाँ पाने के लिए और सब्ज़ी पाने के लिए, क्योंकि दो डब्बी तो उठा नहीं सकता था। तो आज कहता मुझे मम्मी टिफ़िन दे दे, मैं टिफ़िन लेके जाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं टिफ़िन में डाल देती हूँ तेरा खाना। तो रोटी तो इसकी आती नहीं, रोटी थोड़ी ज़्यादा लेके जाता है क्योंकि दो टाइम खानी है, नाश्ता करके नहीं जाता घर से, तो वो दो टाइम खाता है। तो रोटी मैं कम से कम 7-8 रोटी पा देती हूँ, कोई मांग भी लेता है इससे। तो इसने बोल रखा है मम्मी कोई ना कोई मांग भी लेता है, तो मैं कहा ठीक है मैं 7-8 रोटी, टिफ़िन में तो आती नहीं है, तो मैं ऐसे ही पॉलीथीन में बंद कर देती हूँ, पेपर रोल में और पॉलीथीन में बंद कर देती हूँ, उधर जाके निकाल लेना। तो टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी और उसकी सेवियाँ डाल दी, तो टिफ़िन पैक करके दिया। आज लेके जा रहा है नया टिफ़िन, तो आके बताएगा। और आप ऐसा, आज मैंने कपड़े भी अभी प्रेस करने हैं, कपड़े प्रेस नहीं करे, आज हल्दी की रस्म है। मैं डालूँगी पीला सूट, टिफ़िन पैक होगा, मैं पकड़ा रही हूँ उसको। उधर से आज सुबह से लाइट गई हुई है, बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से लाइट भी चली गई। तो मैं कपड़े उठाने लगी हूँ, बिस्तरे उठाने लगी हूँ, प्रियांश बैठा हुआ, प्रियांश रात को इधर ही रहा था, क्योंकि आज सैचरडे संडे को छुट्टी होती है, सैचरडे को ये इधर ही रुक जाता है, संडे की छुट्टी होती है। तो इसने बोल रखा मम्मी संडे को तो मैं इधर ही रात को नाइट में ना सैचरडे को सोना है, सोना होता है इधर, तो संडे को शाम को चला जाता है ये। आज जो है रस्म मेहंदी की रस्म है, हल्दी की रस्म है, तो मैं पाऊँगी सूट, डालूँगी पीला सूट। वो अभी मैंने प्रेस नहीं करा, वो मैंने चौकी पे सिलवाया था, अभी चौकी हुई थी तो मैंने सिलवा के रखा हुआ था, वही डाल लूँगी। शादी के लिए तो मैंने दूसरे सिलवाए हैं, अभी तो वो स्टिच नहीं हुए, कल तक मिल जाएंगे या कल या परसों तक मिल जाएंगे, अभी तो 2 दिन बाकी हैं शादी के, क्योंकि मैंने थोड़ी देर से सूट लिया के दिए थे, तो इस वजह से अभी सिलाई नहीं हुए। तो वही पाऊँगी मैं जो पहले पड़े थे मेरे, पहले सिलवाया था मैंने, अभी थोड़े दिन ही हुए तभी सिलवाया था, गोटा पत्ती वाला सूट, तो बहुत अच्छा है, आपको दिखाऊँगी। जितना शूट हुआ था मैं उतना शूट करूँगी। अभी उनके घर की सजावट हो रही है, अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी उनके घर की सजावट। तो मैं गई थी, अभी जाके आई हूँ, तो तैयारी तुरी हो रही है, बाकी दूसरे ब्लॉग में आएगा मेरा, नेक्स्ट ब्लॉग में।
इतना सपोर्ट कर दिया करो मेरी जितना कर, जैसे कल किया था आपने ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे बिस्तरे तैयार, बारिश की वजह से सफाई भी नहीं कर पा रही, तो इतने प्रियांश को मैंने बोला चलो आप चादर चुदर बिछाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, बारिश हटेगी तो काम करेंगे, नहीं तो अंदर अंदर का काम कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, बाहर का छोड़ देंगे। बारिश ऊपर से जाल मैंने ढक नहीं पाई, ढक ऊपर से ना बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। नन्नू तो बेचारा बारिश में गया, चला गया था काम पे, तो बारिश ज़्यादा थी तो ऊपर से पानी आता है हमारे जाल में से, जाल में ना वो लगाई नहीं, जो शीट होती है ना जो सीट से लगवाते हैं वो लगवाई नहीं। अभी थोड़ा सा दिवाली से पहले पहले थोड़ा काम करवाऊँगी तो जितना को हो सका, क्योंकि इतना बजट तो है नहीं भी पूरा ऐसा लगा के घर को सजावट से कर दूँगी दिवाली को। अभी थोड़ा सा ना मेरा बाहर का बेड़े का ही पेंट पुंट करने वाला है तो वो थोड़ा सा ही करवाऊँगी, बाकी तो सब अंदर तैयारी हुई है, बाल पेपर लगे हुए हैं, टैले टुले लगी हुई हैं, उस पर तो कुछ नहीं करना, वो तो सिर्फ ऐसे झाड़ पूजा। तो मैं लगी हूँ अब देखो लगाने के लिए फेस पैक, तो फेशियल मैं करवाती नहीं हूँ, मेरा रंग काला पड़ जाता, मैंने सोचा चलो पैक ही लगा लेती हूँ आज, पैक से मुँह साफ़ हो जाएगा, चेहरा थोड़ा सा साफ लगेगा। तो फेशियल मैं बहुत कम करती हूँ, ब्लीच तो मैं लगा लेती हूँ, फेशियल बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, फेशियल से मेरा रंग ना काला पड़ जाता, मुझे शूट नहीं बैठता। तो जब मैं ब्लीच लगाती हूँ फिर भी मेरा कली भी ब्लीच लगाने से मेरा ठीक हो जाता रंग। तो देखो सबको शौक होता है ना शादी में, मैं ये करूँ ये करूँ, तो मैंने कहा चल सुबह पहले ये काम करती हूँ बाद में नहाती हूँ मैं। तो अभी मेरी सफाई भी घर की करने वाली पड़ी है, नन्नू चला गया था काम पे, उसके तो पहले मैंने हल्का हल्का लगाया, फिर मैंने ना बच गया था, फिर मैंने डबल करके लगा लिया, मैं कहा चल डबल करके लगा लेती हूँ, बचाना भी क्या, अब गर्दन पे पूरे उस पे लगा लिया, उसके बाद में मैं नहाऊँगी, वो सफाई कोई भी बाद में करूँगी। तो उधर से मुझे फ़ोन भी आ गया था कि भाभी आ जा भी जल्दी आ जा, मैं कहा चल आती हूँ मैं थोड़ी सी अपने काम कर लूँ, रिकॉर्डिंग लगा लूँ तो फिर मैं आती हूँ, इतने मैं रिकॉर्डिंग लगा के फिर दोबारा जाऊँगी। सवेरे भी गई थी, अब भी मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्राम ही ऐसे आके बता के करना पड़ता है उनके, भी चाची जी तो बीमार रहते हैं, अब हम ही हैं करने वाले, तो इस वजह से मेरे को बुलाते हैं फ़ोन कर करके। उधर से प्रियांश को भी अब लेके जाऊंगी साथ में शादी में, तो प्रियांश का बेचारे का पेपर आ, क्या करें मूड ख़राब हो गया, प्रियांश ने तो बारात में जाना था तो लेके जाना था मैंने इसको बारात में प्रियांश को, तो इसका उस दिन पेपर है तो बारात में बेचारा जा नहीं पाएगा, पेपर 12-1 बजे ख़त्म होएगा, तो बारात जाती है 9-9:30 बजे का टाइम है, तो बहुत मुश्किल हो गया, इतना दिल दुखी हुआ कि प्रियांश जा नहीं पाएगा। तो कहीं मैंने इसकी तैयारी करवा के रखी थी भी इसको साथ लेके जाऊंगी, और मैं लगी हूँ अब नहा के आ गई हूँ, मैं लगी हूँ सफाई करने के लिए। तो प्रियांश बोलता मम्मी रहने दे, मैं कहा नहीं मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, तो पहले अपन थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लें फिर दोबारा से देखते हैं, अगर बारिश आ ऐसे चिक्कड़ ज़्यादा हो गया, सर्फ पोछा लगाएंगे धोते नहीं आज, झाड़ू पोछा ही लगाएंगे बस। तो नाश्ता इसने कर लिया प्रियांश ने और बैठा है आज, ट्यूशन तो आज छुट्टी है, ट्यूशन जाना नहीं है, अपने घर ही जाएगा बस। मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए, साथ साथ ये भी काम करवाता मेरे साथ, हेल्प करा देता थोड़ी बहुत ही। अभी इसकी मम्मी आज आई नहीं है, बीमार पड़ी है, बुलाया था मैंने उसको, अभी आ जाना प्रियांश के पास, मैं उधर जाऊँगी तो देखते हैं फिर, नहीं तो मेरे को घर भेजना पड़ेगा, अकेला रहेगा घर, अगर जाएगा साथ में तो ठीक है, फिर तो इसको लेके जाऊंगी मैं, नहीं तो फिर मैं आज मैंने पूरा दिन ही उधर लग जाएगा मेरा, वैसे तो बीच बीच में आऊंगी घर देखने के लिए। तो झाड़ू मेरी लगाने लगी, मैं झाड़ू लग गई है, और जितने जैसे वीडियो बनती है वैसे मेरी कबूल करा करो, ठीक है मंजूर कर लिया करो, क्योंकि इतनी मैं बड़ी यूट्यूबर तो है नहीं भी पूरा डिट्टो मैं ऐसे कर करके बनाऊं जैसे बड़े यूट्यूबर बनाते हैं, जितना का मेरे को आ गया मैंने उतनी का एडिटिंग कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग लगा लेती हूँ, बाकी काम कंचन कर देती है, यूट्यूब पे ऐड लगानी वो कर लेती है, तो जितना मेरे से होता मैं करती हूँ। और बहुत मेरे से प्यार से कमेंट प्यार से भी कमेंट करते हैं, आंटी जी अच्छी हो, आंटी जी अच्छा ब्लॉग बनाते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब ऐसे बोलते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर है ना ऐसे बोलते, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। 100 में से चलो 50 में से 1
गलत कमेंट आता है, बाकी तो सब सही सही कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को जब मैं पढ़ती हूँ उनका। मैंने हार्ड भी भेजती हूँ, अब तो मेरे को हार्ड भी भेजने लग गए, मैं कमेंट पढ़ती हूँ फिर मैं हार्ड भी भेज देती हूँ, तो एक अद्धा ही बस कमेंट मेरे को अच्छा नहीं लगता जो होते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहती उनका, तो पता तो मेरे को चल जाता है भी इस नाम का है। चलो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कोई नहीं, एक आधा तो कर ही जाने दो, करने दो, बाकी मेरी सपोर्ट ऐसे करते रहना जो मेरे से प्यार करते हैं ना, ऐसे सपोर्ट करते रहना। आगे मेरे ब्लॉग आएंगे शादी के, जैसे जैसे जो जो रस्म होएगी मैं वैसे वैसे वीडियो शूट करूँगी, जितना हो सकेगा वैसे शूट करूँगी। आज से प्रोग्राम शुरू है शादी का, तो आज शाम को शूट करूँगी। अब जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, उधर से बारिश है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी देखती हूँ आके करूँगी। बारिश हट जाएगी तो अभी जाना, मैंने उधर कलर लगाना था, मेरी नंद ने मेरे से बोला था अभी कलर लगा दे भाभी, मैं कहा चल ठीक है मैं आती हूँ, अभी मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने जाना है, तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड भी लगा रही हूँ। ऊपर से मेरा नेट भी इंटरनेट नहीं चलता, उधर से कंचन का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बीमार रहती है, बीमार है, तो देखती हूँ उसके ड्रिप वगैरह उसके भी लगवाने हैं, इंजेक्शन वगैरह, तो ठीक है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो आप। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, तो अभी सफाई नहीं करी थी, बाकी का काम कर लिया, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, तो इस वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया। तो मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, व्यूज मेरे अच्छे आने लगे हैं, आपने मेरे को अच्छा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे मुझे प्यार देते रहना, प्यार बना रहे अपना, ठीक है, तो मेरी फुल सपोर्ट करना जिससे मेरा चैनल आगे ग्रो हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो नए बने हैं। तो आप बताना मैं कैसी वीडियो डालूँ, कैसा करूँ, ठीक है। अब एक दो दिन बीच में रह गए हैं शादी के, और तब शादी है, आज है हल्दी की रस्म शाम को, तो देखते हैं चलते हैं, शाम को शादी की हल्दी की रस्म है, तो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब आपको दिखाऊंगी मैं, तो मेरे साथ बने रहिए आप, ऐसे ही प्यार देते रहना, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत, प्यार देना मत भूलना, ठीक है, ओके बाय।